सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल डिकोडर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक टॉपिक, शटरिंग ऑफ कॉलम, यानी कि किसी भी कॉलम का शटरिंग का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर में शटरिंग के पूरे बेसिक्स के बारे में बताया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी साइज या किसी भी शेप के कॉलम के शटरिंग के एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो किसी भी मटेरियल का बना हुआ हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं किसी भी शेप या साइज के अगर हमारे पास कॉलम है, अवेलेबल है, तो उसके हम शटरिंग एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। और शटरिंग एरिया कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई है, तो आप वो वीडियोस मेरे जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हो शटरिंग टॉपिक के अंदर। तो शटरिंग आपके बिलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्टिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वांटिटी सर्वेइंग व्यू से, हर पॉइंट से आपको शटरिंग के एरिया कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसे सीख लिया तो आप कहीं पे भी इजीली जॉब गेन कर सकते हो, चाहे वो साइट की नॉलेज, साइट की जॉब हो, या आपकी बिलिंग की जॉब हो, या क्यूएस की, क्वांटिटी सर्वेयर की जॉब हो। तो हर जगह आपको शटरिंग का एरिया निकालने आना चाहिए। द शटरिंग इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर इन द रेट एनालिसिस ऑफ शटरिंग, यानी कि जब भी हम शटरिंग का रेट एनालिसिस करते हैं या प्रोजेक्ट पे क्वांटिटी या निकालते हैं हम, या रेट निकालते हैं, तो वहाँ पे हमें मीटर स्क्वायर में शटरिंग को हम कंसिडर करते हैं। टू कैलकुलेट द शटरिंग यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट द पेरिफेरल लेंथ ऑफ एनी शेप, यानी कि अगर आपको किसी भी शेप का या साइज के कॉलम का शटरिंग निकालना है तो आपको उसका पेरीमीटर निकालने आना चाहिए। और पेरीमीटर बहुत ही प्राइमरी चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये बेसिक मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री में आपको, आपने सीखा होगा कि किसी भी शेप और साइज का पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम अभी देख लेते हैं कि पेरिफेरल लेंथ या पेरीमीटर क्या होता है और उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी शेप का, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर हो, तो हर शेप का हम पेरिफेरल लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है, एक्स या वाई डायमेंशन की है मान लेते हैं, या एल या डब्ल्यू डायमेंशन की है। तो उसे हम उसके पेरिफेरल लेंथ या पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ टू डायमेंशनल शेप, यानी किसी भी 2D शेप के जो चारों तरफ जो डिस्टेंस है हमारा, वो हमारा क्या होता है, वही पेरीमीटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, रेक्टेंगल हैज फोर साइड। यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल में रेक्टेंगल, इसके फोर साइड्स हैं। एक साइड का हमने जिया W, एक साइड का नेम किया L। तो दोनों L आपस में एक जैसे हैं और दोनों साइड W एक जैसे, तो इसका पेरीमीटर लेंथ क्या होगा, P इज इक्वल टू 2L + 2W। तो किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का पेरीफेरल लेंथ या पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × length + width या 2 length + 2 width कर देंगे, तो हम उसका पेरीफेरल लेंथ या पेरीमीटर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने जो कॉलम है उसके शटरिंग एरिया को निकालने सीखे, उससे पहले कुछ बेसिक्स फार्मूलाज हैं जो हमारे शटरिंग एरिया को कैलकुलेट करने में, या डिफरेंट साइज या डिफरेंट डायमेंशंस के कॉलम को कैलकुलेट करने में यूज होते हैं। तो हम एक एक करके ये देख लेते हैं कि हमारे जो भी वो फार्मूलाज हैं वो किस तरह से काम करते हैं, वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4S। तो S यहाँ क्या है, हमारे लेंथ ऑफ साइड। तो 4S क्यों लेते हैं, क्योंकि उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो हमारा पेरीमीटर स्क्वायर क्या होगा, 4S। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने अभी तुरंत बताया, 2 × length + breadth। उसके बाद आता है हमारा पेरीमीटर ऑफ सर्कल। किसी भी सर्कल का पेरीमीटर निकालने के क्या करते हैं, 2πr। और r हमारा क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के क्या करता है, साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हर जगह आपको इस्तेमाल होंगे किसी भी साइज या किसी भी डायमेंशन के कॉलम के शटरिंग को निकालने में। तो हमने पेरिफेरल लेंथ यानी पेरीमीटर निकालना भी सीख लिया, और बेसिक जो फॉर्मूलाज थे हमारे वो हमने वो भी सीख लिए। तो अब हमारी बारी आती है फॉर्मूला ऑफ शटरिंग एरिया, यानी शटरिंग एरिया के लिए कौन सा वो फॉर्मूला है जो यूज़ होता है, जिसमें हम पेरिफेरल या पेरीमीटर को हम यूज़ में लेते हैं। तो शटरिंग एरिया इज इक्वल टू पेरीफेरल लेंथ या फिर पेरीमीटर इंटू डेप्थ। डेप्थ कहने का मतलब किसी भी कॉलम की जो हाइट है या उसकी डेप्थ है, उससे हम अगर पेरीफेरल लेंथ या उसके पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम शटरिंग एरिया जो है हम अपना इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, कैलकुलेशन ऑफ शटरिंग एरिया ऑफ अ कॉलम। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक कॉलम है जिसका कुछ लेंथ, कुछ विड्थ दिया हुआ है और कुछ हाइट दी हुई है। ये कॉलम कहीं पे भी हो सकता है, किसी फ्लोर पे हो सकता है। हमें इसकी शटरिंग कैलकुलेट करनी है। तो शटरिंग कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें ये पता करना होगा कि इस कॉलम पे हम किन किन साइड्स पे हम शटरिंग लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम टॉप साइड को पकड़ते हैं। तो टॉप साइड पे क्या होता है कि हमें कंक्रीट पोर करनी होती है कॉलम के अंदर, तो हम क्या करते हैं, टॉप साइड को हम ओपन रखते हैं। तो ये हमारा जो पोर्शन है ये पूरा हमारा ओपन रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बॉटम, बॉटम पे हम कॉलम को फिक्स करते हैं, चाहे वो स्लैब होगा या फाउंडेशन के ऊपर, तो हमारे ये पोर्शन फिक्स होता है। तो हमारे दो जो पोर्शन होते हैं ये ओपन रखे जाते हैं, ये हमारा बॉटम से फिक्स होता है, यहाँ शटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। और टॉप हम इसलिए खुला रखते हैं ताकि हम कंक्रीट को पोर कर सके। तो हम यहाँ पे टोटल 1
टू और इन दोनों के ऑपोजिट यानी कि टोटल फोर साइड्स पे ही हम सेटरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी लेंथ क्या है। फॉर एग्जांपल हम इसका लेंथ मान लेते हैं कि हमारा दिया हुआ है 500 mm। 500 mm लेंथ है कॉलम की और फॉर एग्जांपल कॉलम की जो विड्थ हम यहाँ लिख लेते हैं 400 mm। तो हमारे पास कॉलम की लेंथ और विड्थ मिल गई, तो हम इसे कहीं लिख लेते हैं लेंथ इज इक्वल्स टू 500 mm और इसे हम कह सकते हैं क्या 0.5 meter। ठीक उसी प्रकार हमारे पास विड्थ है W, ये हमारा है 400 mm, या हम इसे लिख सकते हैं 0.4 meter। तो सबसे पहले हमने हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है स्ट्रेचिंग एरिया निकालने के लिए, स्ट्रेचिंग एरिया इज इक्वल्स टू पेरिफेरल लेंथ इनटू डेप्थ। तो हमने यहाँ एग्जांपल में डेप्थ तो लिया नहीं, तो ले लेते हैं डेप्थ को ले लेते हैं 4 meters। तो जो हमारी कॉलम की टोटल डेप्थ है वो कितनी है 4 meters की है। तो हमारा सेटलिंग एरिया कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा पेरिफेरल लेंथ। तो पेरिफेरल लेंथ इज इक्वल्स टू, इसे हम क्या कहते हैं पेरीमीटर भी कहते हैं, कोई अलग चीज नहीं है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना पेरिफेरल लेंथ या पेरीमीटर अलग चीज है। तो कैसे निकालेंगे 2 into, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो इसमें हम 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ कर देंगे तो हमें इसका पेरिफेरल लेंथ मिल जाएगा। तो 2 into लेंथ हमारा कितना है 0.5 meter एंड विड्थ इज 0.4 meter या ब्रेथ इज सेम। तो हम इसे 0.5 प्लस विड्थ या ब्रेथ इज सेम थिंग है तो 0.4। तो हमारा टोटल पेरिफेरल लेंथ कितना निकल के आएगा 1.8 meter, हमारा पेरिफेरल लेंथ निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे इजीली हम सेटरिंग एरिया निकाल सकते हैं। तो सेटरिंग एरिया इज इक्वल्स टू पेरिफेरल लेंथ इनटू डेप्थ। तो पेरिफेरल लेंथ हमारा कितना है 1.8 meter और हमारा डेप्थ कितना है 4 meter, हमने एग्जांपल में लिया हुआ था 4 meter। तो हमारा जो सेटरिंग एरिया निकल के आएगा वो कितना आएगा 7.2 meter square। मैंने पहले बताया था कि हम सेटरिंग एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं, बट कभी कभी कहीं कहीं कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के हिसाब से हमें स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करना पड़ता है। तो स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे 7.2 मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10.7639 से। तो इससे हमारा क्या होगा ये मीटर स्क्वायर जो स्क्वायर फीट में चेंज हो जाएगा और अप्रोक्स हमारा आ जाएगा 77.5 square feet। तो इस तरह से हमने कॉलम का रेक्टेंगुलर कॉलम का सेटरिंग निकाला 77.5 square feet। तो हमने भी रेक्टेंगुलर कॉलम का तो सेटरिंग निकालना सीख लिया, बट क्या होगा जब हमारे पास कॉलम क्या है सर्कुलर। अगर हमारे पास कॉलम सर्कुलर आ गया तो हम इसका सेटरिंग एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ भी सेम चीज है, हम टॉप से क्या करेंगे कंक्रीट को पोर करते हैं, तो हमें टॉप सरफेस को क्या करना है ओपन रखना है और बॉटम सरफेस को क्या करते हैं हम कहीं प्लेस करते हैं, तो हमें बॉटम सरफेस को भी ओपन ही रखना है, वहां हमें सेटरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम यहाँ सेटरिंग कहाँ करेंगे इसके टोटल कर्व पोर्शन पे। तो इसकी सेटरिंग एरिया कैसे निकलती है, यहाँ भी कुछ नहीं होता, यहाँ भी हम क्या करते हैं इसका जो पेरिफेरल लेंथ है सर्कुलर ये हम निकालेंगे और इनटू हम डेप्थ कर देंगे तो हमारा सर्कुलर कॉलम का भी सेटरिंग निकल जाएगा। तो पेरिफेरल लेंथ इनटू डेप्थ, अब यहाँ हमारा पेरिफेरल लेंथ क्या होगा किसी भी सर्कुलर कॉलम का पेरीमीटर क्या होता है सर्कुलर सर्कल का 2πr, यही हमारा क्या होगा पेरिफेरल लेंथ और d हमारा डेप्थ है, यहाँ डायमीटर नहीं है डेप्थ है आप ध्यान रखिएगा। सपोज एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं इसका डायमीटर ले लेते हैं 400 mm। तो हमारे इस सर्कुलर कॉलम का डायमीटर 400 mm, तो रेडियस हमारा आर कितना हो जाएगा 200 mm और 0.2 meter। ठीक है, हम क्या करेंगे इसका सर्कलिंग एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो 2 into π into r is 0.2 meters। इसे क्या करेंगे हम डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ डेप्थ, यहाँ भी हम रेक्टेंगुलर कॉलम इतना ही डेप्थ ले लेते हैं 4 meters का। ठीक है, तो into 4 meters तो हमारा निकल के आ जाएगा 5.0 meter square। ये हमारा सर्कलिंग एरिया निकल के आ गया मीटर स्क्वायर में। और अगर हमें इसे स्क्वायर फीट में चेंज करना हो तो हमने बताया था 10.7639 मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे ये आ जाएगा अप्रोक्स 53.82 square feet। तो इस तरह से हमने रेक्टेंगुलर और सर्कुलर कॉलम के शटरिंग एरिया को निकालने सीख लिया।
सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो या शटरिंग एरिया निकालने में आपकी हेल्प की हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शटरिंग से रिलेटेड बेसिक्स अगर आपको जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जा करके देख सकते हो शटरिंग के प्लेलिस्ट से। सो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी बेसिक या एडवांस नॉलेज के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।